दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के सभी ग्राहकों के लिए तीन बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। देखिए त्योहारी सीजन से पहले भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दिया है और एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका फायदा अब आपको जनवरी 2024 तक मिलेगा, यानी कि ये सुविधा का लाभ ले पाएंगे। कौन सी फैसिलिटी है और इसके तहत आपको क्या बेनिफिट होगा, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले देखिए दो और अपडेट SBI की तरफ से क्या निकल कर आ रहे हैं। एक तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए CBCD पर भी UPI सर्विस शुरू कर दी है। हाल ही में इससे पहले यस बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा भी ये सुविधा शुरू की गई थी, तो अब आप SBI के जरिए भी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी e-rupees का इस्तेमाल SBI के UPI से कर पाएंगे। e-rupee क्या है? ये RBI की एक डिजिटल करेंसी है, जिसके बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा हाल ही में SBI ने अमृत कलश योजना की FD की जो डेडलाइन है, लास्ट तारीख है, उसको भी बढ़ा दिया है। अब आप इसका फायदा नए साल 31 दिसंबर 2023 तक यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले पहले ले पाएंगे। और हाल ही में SBI ने एक फॉल्ट भी किया, उसके चलते RBI ने SBI पर जुर्माना भी लगाया, करोड़ों रुपए का, देख सकते हैं आप, 1,30,00,000 का जुर्माना लगाया। उसके बाद SBI के स्टॉक्स वगैरह में भी गिरावट देखी गई। खैर इससे तो आम ग्राहकों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन SBI के जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, जो खाता धारक हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि जनवरी 2024 तक, वो भी पूरे 31 जनवरी 2024 तक, ये खास सुविधा का फायदा आपको SBI के ग्राहकों को मिलने वाला है। और वो ये कार लोन पर अब आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, यानी कि SBI के जरिए अब अगर आप कार लोन करवाते हो तो बिल्कुल 0% प्रोसेसिंग फीस पर SBI आपके लिए लोन मुहैया करा रहा है। अभी त्योहारी सीजन के दौरान SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ये ऑफर निकाला है। उम्मीद है दोस्तों SBI से जुड़े कुछ छोटे छोटे अपडेट थे आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।